हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज जो है, आज हम लोग घर पे ही हैं, कुछ करने को नहीं है और बोर ही हो रहे हैं थोड़ा बहुत। अनिमेश गए हैं काम पे और आज मेरा फास्ट है, मेरा और मम्मा का। तो मम्मा का जो फास्ट होता है, मम्मा उसमें सॉल्ट कंज्यूम कर लेती हैं और मैं नहीं करती। तो मैं खाने लगी हूँ मखाने विदाउट सॉल्ट, और मैंने थोड़ी सी मूंगफली भून के खाई थी जो कि विदाउट सॉल्ट थी ऑब्वियसली। और एक कप पीऊँगी मैं कॉफ़ी, क्योंकि थोड़ा सिर भारी हो रहा है। आज का अपडेट सिर्फ ये है कि मेरी तबीयत पहले से थोड़ी बेटर है, बट डॉक्टर से मैंने कंसल्ट करना, मैं कल नहीं कर पाई, वो मैं आज करूँगी। एक ये है, दूसरा है कि बुकिंग्स जो हैं वो नहीं हुई हैं कंप्लीट हमारी। तो बुकिंग्स जब अनिमेश आएंगे, अनिमेश एक्चुअली ऑफिस गए, तो जब वो आएंगे तब हम कंप्लीट करेंगे। मैं लगी हूँ थोड़े मखाने भूनने। तो ये आज का मौसम बहुत अच्छा है। तो ये मैं बना रही हूँ कॉफी। तो बन गई मेरी कॉफी जो कि है ये, और ये रहे मखाने। तो ये बहुत बेसिक से हैं और इसके साथ मैं पीने लगी हूँ कॉफी। हाय एवरीवन, आई एम बैक। तो मैं आ गई हूँ रूम में और मैं आई हूँ अपनी वीडियो एडिट करने जो मुझे आज पब्लिश करनी है। तो मैंने सोचा कि रूम में आके करती हूँ, बिकॉज मम्मा वहाँ टीवी देख रही है और अविराज सो रहा है। वहाँ पे करूँगी तो उठ जाएगा और मम्मा भी टीवी देख रही, तो मेरे को ना उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं मैं कर पाती। तो ये सब करके उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, एक बार ये कंप्लीट कर लूँ फिर मिलते हैं। कॉल किया था हॉस्पिटल और मेरी बात हुई नर्स से, तो उसने मुझे बोला कि उतना अर्जेंट नहीं है डॉक्टर को दिखाना, और वैसे भी उनके पास अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हॉलीडे वीक है अगले हफ्ते से, तो सब लोग छुट्टी वुट्टी पे हैं। मैंने कहा चलो ये भी बता देते हैं कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई है 5 दिसंबर की। अब मैं आ गई हूँ कहवा चाय पीने जो बनाई है मम्मा ने। तो मैं तब तक कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी एडिटिंग, है ना? और पर मेरे को भूख भी लग रही है, अभी क्या खाऊं? मैंने खाए थे मखाने और मूंगफली। तो मैं मोटी हो जाऊंगी। हैं पानी ना। तो मैं जा रही हूँ नीचे फ्लायर्स लेने के लिए। ऊपर आ गई फ्लायर्स लेके, तो मैं और मम्मा भी देखते हैं कि कोई डील्स हैं लगी हुई या नहीं लगी, बिकॉज थैंक्सगिविंग है तो आई एम श्योर डील्स होंगी। तो मैं और मम्मा देखते हैं डील्स, और थोड़ी देर में आपको फिर बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। आप बताइए आप क्या करें, कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अब अविराज को देखती हूँ मैं। तो बज गए हैं 6 PM और मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं खाने लगी हूँ खीरा, वो भी मैं काट रही हूँ, फिर मैं खाऊंगी और अभी एक खा लेती हूँ। तो आज खाने में मम्मा ने बनाए मूली के परांठे जो मेरे लिए बनाया, उसमें नमक नहीं है, बाकी सब में है। और ये बनाई है आलू की सब्जी जो मैं नहीं खा सकती, बट ये मैं अब कल खाऊंगी। तो आपने देखा कि मैंने खाना खा लिया, जिसमें मैंने खाया मूली के परांठे और ऑब्वियसली विदाउट सॉल्ट एंड दही के साथ। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं फ़ोन पर थी। तो उसमें खूब सारी मिर्च मैंने मम्मा से डलवाई थी, बिकॉज मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है। अब मैं खाने लगी अपनी स्वीट डिश। तो स्वीट डिश में मैं कुछ और तो खा नहीं सकती, तो मैंने लिए ये चावल और इसमें मैं डाल रही हूँ ब्राउन शुगर, और ये थोड़ी सी मैं ब्राउन शुगर डालूंगी और फिर मैं वो खाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत मन है कुछ मीठा खाने का। और ये मैं बचपन में खाया करती थी और आजकल खाने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये खाते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मम्मा ने ऐसे घी में भूनती थी या डालती थी, कुछ ऐसा करती थी, लाइक घी डाल के देन चावल डालती थी एंड देन चीनी, इतना अच्छा लगता था। और अब मैं घी तो नहीं डाल रही, तो मैं सिर्फ चावल और चीनी खा रही हूँ। तो मैं लेती हूँ इसका मज़ा, आप देखिए मेरी वीडियो। और एक चीज़ और थी, जो ये जार है ये मैंने खुद पेंट किया है,
मेरा नेल पेंट निकलने वाला है, बट हाँ ये मैंने खुद पेंट किया था। ये पता है किस चीज़ का था? अचार का। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि कौन सी बॉटल थी। वो थी ये वाली बॉटल, ऐसी ही बॉटल थी और मतलब इससे छोटी बॉटल थी, मैंने उसको पेंट किया है। और ये इस पर मैंने कुछ चिपकाना था, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने नहीं चिपका, और ये मैंने पेंट किया पूरा। तो ऐसी बॉटल्स मैं और बनाऊंगी, और जब मैं बनाऊंगी ना तो मैं उसकी वीडियो लूंगी और फिर मैं वो पोस्ट करूंगी, और ताकि आप लोग देखें और घर पे ट्राई करें अगर करना है तो। तो चलिए मिलते हैं फिर से थोड़ी देर में, तब तक आप इंजॉय कीजिए, और अगर कुछ आप कहना है लिखना है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। तो आज शाम को हम गए थे इस्कॉन, और उसकी वीडियो में पहले डालना भूल गई तो अब डाल देती हूँ। और तो वहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा मिल रहा था, तो मैंने अपने लिए एक प्लेट ले ली है जो अब मैं कल खाऊंगी, और मैं उसकी जो एक ग्लिम्स है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज इस व्लॉग का मैं यहाँ एंड करती हूँ, कल मैं आपसे फिर मिलूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।